हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। रेखा की रेसिपी में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए करेले की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी और बनाई है इस तरीके से कि 1% भी आपको कड़वे नहीं लगेंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ, खाने में इतनी टेस्टी। अगर कड़वे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। तो इसके लिए हमने करेले ले लिए हैं, इनको ऊपर से छील के साफ़ कर लिया है। ऊपर वाले छिलके को हम यूज़ नहीं करेंगे, काट लिए हमने करेले। अब इसमें हमें क्या करना है कि 2 टेबल स्पून के करीब हमें नमक मिलाना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसी तरीके से नमक मिला के और छोड़ देना है। तो 10-15 मिनट देखिए हमारे करेलों को हो चुके हैं और नमक ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम पानी घेर के पहले हाथों से अच्छे से मस लेंगे इसको, ताकि इसका जो भी कड़वापन है वो निकले। तो हम इसे 3 से 4 बार धोएंगे और देखिए हमने धो के साफ कर लिए हैं, हमने 4 पानी से धोए थे। अब ये हमने जितने हमारे करेले थे उतने हमने प्याज ले ली है, आप जितने भी यूज़ करें। मैंने 1 पाव करेले लिए थे और मैंने 5 प्याज ली हैं। तो अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, 1 चम्मच के करीब हमने इसमें ऑयल गिर दिया है करेलों को उसमें गिर के, और हमें करना है इसे फ्राई। तो देखिए हमने करेले को इतना फ्राई कर लिया है कि नीचे से ये एक तरफ से ब्राउन थोड़े हो चुके हैं। अब ब्राउन हो गए तो अब इसमें जो हमने कटी हुई प्याज ली है उनको हम गिर देते हैं। तो अब प्याज के साथ हमें इसे भूनना है अच्छे से। करेले को जब तक नहीं भूनेंगे तब तक इसमें टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और कड़वापन भी नहीं निकलेगा। तो देखिए हमने भून लिए हैं अच्छे से प्याज के साथ भी। अब ज़्यादा नहीं भूनने हमें, अब निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। अब दूसरी कढ़ाई ले ली है हमने, क्योंकि हमारी कढ़ाई वो नीचे से फ्राई करते करते थोड़ी काली सी हो गई थी। तो अब हमने 1 प्याज और गिर दी है 1 चम्मच तेल में। तो तेल तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल आपका जो भी यूज़ करना हो। मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है। अब इसमें 2 हरी मिर्चा गिर दी हैं मैंने काट के, 1 टमाटर गिरती हूँ जिससे कि ये बिल्कुल भी खट्टे नहीं लगेंगे। थोड़ी खटाई बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड। इसमें मसाले गिर लेते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और नमक अपने स्वाद अनुसार गिर के, और फिर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट गिर दिया है और थोड़ा सा गिरते हैं पानी, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं गिरना है। और मसालों को अच्छे से चलाते हुए हमें मीडियम गैस पे ही भूनना है मसाले, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से मैट हो जाए और मसालों में अच्छे से खुशबू आ जाए। तो देखिए मसालों को चलाते हुए हमने अच्छे से भून लिया है, मसाले हमारे भुन चुके हैं, ऑयल को छोड़ चुके हैं। तो अब हमें इसमें जो हमने फ्राई की है प्याज और करेले, तो अब हम इसमें गिर देते हैं। प्याज करेले को गिर के अच्छे से हमें मिलाना है, मैच करना है मसालों के साथ, ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिल जाए। तो अब देखिए हमारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब इसमें हम हल्का सा पानी गिरते हैं, यानी कप जो चाय वाला होता है उससे आधा कप, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं गिरना है। 2 से 3 मिनट ढक के पकाते हैं और देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, करेले हमारे बिल्कुल बन के तैयार हैं एकदम खाने के लिए। रोटी पराठा किसी से भी आप खाइए, पराठों से तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मुझे तो फ्रेंड पराठों से बहुत टेस्टी लगते हैं। सब्जी हमारी बन के एकदम रेडी है खाने के लिए। आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी रेसिपी पसंद आती है मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।